वीडियो बनाने का ठेका है। इनको बोलना पूरा ले, दो दो करके ले आओ। आपका नाम क्या है?
नाम आया उसका आप दूसरों को आने दीजिए। आई 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 कार्ड है अम्मा किसके पास है कार्ड? मिलेगा आपको बताया ना मैंने कि आप पहले इनको जाना नहीं वो वीडियो बना रहे पूरी अच्छी ये राहत सामग्री है। हरदा में पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जो लोग बेघर हुए थे, गरीब परिवार के लोग या जिनके पास जो भी इंजर्ड हुए उनके लिए ये राहत सामग्री का काम है। राहत सामग्री के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है पारादीप परिवहन एंड खान फाउंडेशन की तरफ से ये राहत का कार्य पहुंचाया जाएगा। छोड़ दीजिए उन लोग को उठा लें। ये चार बैग जो है यहाँ पर छोड़ दीजिए, तीन बैग यहाँ छोड़ दीजिए, तीन बैग और छोड़ दीजिए, तीन बैग यहाँ पे छोड़ दीजिए, हाँ एक बैग और छोड़ दीजिए, चार, ठीक चार ये हो गया, चार यहाँ पर, ठीक कोई दिक्कत नहीं, अब बंद कर दीजिए। हाँ सब काउंटिंग हो गया है, 105 पूरे टोटल। हाँ धीरे चलेंगे, धीरे आप जो है गाड़ी में बैठ जाइए। क्या नाम है?
कभी बंगले पर आओ वहाँ पर। कुछ नहीं है, छूट गया था एक्चुअली, का दो बाइट हो गए तो फिर वो वाली बाइट हो गए। ले बेटा गाइस ऊपर लगा ठीक है करवाई जी। अपने नाम बताएं। नाम बताएं। मैं मोहम्मद सैफ सिद्दीकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का चेयरमैन हूँ और एरिया इंचार्ज पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड खान फाउंडेशन का। आज यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ घटनास्थल पर किया गया आपने? डे वन से जो है, पहले दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से मैं पूरी तरह से जो खान फाउंडेशन है पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर खालिद खान के दिशा निर्देश पर पहले दिन से हम लोग जो है समाज जो है पूरे जो है जनता इंजर्ड लोगों को दवा है, पानी है, खाना है और लंगर था, इसको कह लीजिए कि लंगर हम लोग जो है पूरा उनके दिशा निर्देश पर पूरी तरह से वो लंगर चला रहे हैं और समाज इन लोगों को जो जितने आप लोगों के सामने ही देखा गया है कि कम से कम 150-200 परिवार को हम लोगों ने राशन सूखा राशन एक महीने का हम लोगों ने दिया है, खान फाउंडेशन ने दिया है। क्या आगे भी जो लोगों को जरूरत होगी क्या फाउंडेशन उनके लिए खड़ा है? जब जब देश को जरूरत पड़ी है तब तब जो है खान फाउंडेशन और पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड जो है अपना कंधे से कंधा गवर्नमेंट के साथ मिला करके जो है कंधे से कंधा सहयोग किया है, चाहे सुनामी हो, चाहे हुदहुद हो, चाहे ये आपके जो है ये आपका जो है हरदा का जो घटना घटा है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। बाबा मोबाइल थोड़ा पीछे करना बाबा जी। सर आपका फाउंडेशन का नाम? हमारी फाउंडेशन का नाम है बाबा मोबाइल पीछे करना, खान फाउंडेशन जो कि यूनिट ऑफ पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड का है और मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन हूँ। किस फील्ड में काम करते हो? हम लोगों का बेसिकली फील्ड है शिपिंग इंडस्ट्री है, जहाज का काम है पारादीप पोर्ट विशाखापट्टनम कलकत्ता और शिपिंग से रिलेटेड हमारा माइनिंग भी है और भी कई जगहों पर हम लोग काम करते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी है और प्रॉपर रहने वाला मैं हरदा शहर में हूँ। आज आपने यहाँ पर थे किड पार्टी में और यहाँ जो हादसा हुआ उसको देख के क्या करेंगे? आज हरदा तो मैं दो रोज़ पहले ही आ गया था यहाँ पर और जहाँ हादसा हुआ था उस जगह को भी मैंने देखा है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इस हादसे को अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा है और इसमें जान का, माल का, गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई जो है वो किस तरह से होगी ये अभी इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, ना ही प्रशासन लगा सकता है क्योंकि इसकी काउंटिंग अभी भी चल रही है और आगे किस तरह से इसको हम करेंगे और हम लोगों की भी जो ये खान फाउंडेशन ट्रस्ट है ऐसे ही कामों में हम आगे आते हैं और स्पेशली इसलिए भी हम हरदा में हैं क्योंकि हम इसी जगह को बिलोंग्स करते हैं और इस माटी का कर्ज भी जो है वो हमारे ऊपर है और उसको छुपाना तो है और हमसे जितना हो सकेगा हम यहाँ की बात करेंगे। आपके द्वारा क्या यहाँ पर बांटा गया और कितनी क्वांटिटी में दिया गया? अभी हम लोग कल DM साहब से मिले थे और उनसे हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, एक ऑफिशियल मीटिंग थी और उन्होंने कई चीज़ें और भी हमें सजेस्ट की हैं जो हमको आगे फ्यूचर में करना है और अभी जब उन्होंने सजेस्ट किया था और हमने भी रिक्वेस्ट किया कि एज ऑफ नाउ अभी जो चीज़ की ज़रूरत है लोगों को तो सूखा राशन जो है हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आया है, जो लोग इससे इफेक्टेड हुए और घायल भी हैं और परिवार वाले इस ITI स्कूल के अंदर में हैं और उनको प्रशासन की निगरानी में हम लोगों ने ये सामग्री बांटी है जिसके अंदर में गेहूँ है, चावल है, अनाज है, दाल है, तेल है और भी खाना पकाने के लिए जो भी सामग्री लगती है उसको हम लोगों ने एक एक बैग में करके दिया है ताकि एक परिवार कम से कम 15-20 दिन उस खाने को खा सके।
क्योंकि अभी एक बिजनेसमैन है यहाँ जो फैक्ट्री लगी थी, ये कुछ नॉर्म्स था इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो क्या होना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो? देखिए, पहले से भी मैं ये कहता हूँ कि सेफ्टी नॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। हमारे पास भी इंडस्ट्री है, हम भी इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। हमारे पास आज 10 साल में 0 कैजुअलिटी है। वैसे भी यहाँ मध्य प्रदेश में हरदा में ऐसे हादसे कभी हुए नहीं, और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि फिर कभी ये चीज़ ना किसी के सामने आए तो बहुत अच्छा है, और आना नहीं चाहिए। और इसकी रोकथाम के लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं इंडस्ट्री के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, अगर वो पूरे नहीं हैं तो उनको फौरन बंद कर देना चाहिए। आज हमारे यहाँ तकलीफ की बात और दुख की बात ये है कि पैसा जो है महंगा हो गया, जान सस्ती हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जान कीमती है, जान बचेगी तो सब कुछ बचेगा, पैसा भी अगर किस्मत का है तो आ जाएगा, लेकिन जान की हिफाजत करना ये हर एक नागरिक का अपना फ़र्ज भी है, और उन जिम्मेदारों का भी फ़र्ज है जो लोग नौकरियाँ देते हैं, काम देते हैं। बहुत अच्छी बात है, रोज़गार देना चाहिए, फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी तो रोज़गार कैसे होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने यहाँ ये भी देखा कि बहुत सारा चाइल्ड, जो बच्चा अभी तक मैच्योर भी नहीं हुआ है, और वो लोग भी उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, विच इज़ वेरी इलीगल, और ये बहुत ही गलत है कि हम बच्चों का जो है मुस्तकबिल को, फ्यूचर को, भविष्य को अगर हम इसी कामों में लेके ख़त्म कर देंगे तो ये आगे समाज के लिए और हमारी कौम के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, शुक्रिया भैया, फिर से लगाने में।